आप ये भगत सिंह को जानते होंगे गाइस, जिनको अपने देश को आज़ादी दिलानी थी, अपने हिंदुस्तान को। तो गाइस इन्होंने अंग्रेज लोगों से लड़ने के लिए इन्होंने एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया था, जिसके अंदर गाइस इन्होंने एक मतलब एक वो फैसला किया था कि वो लोग साइमन के नारे लगाएंगे, साइमन वापस जाओ। तो उन्होंने गाइस लाला लाजपत राय के साथ वहाँ पर पीछे खड़े थे, और गाइस वहाँ पर एक जो वहाँ पर ऑफिसर था तो उसने लाठी चार्ज का ऐलान कर दिया था, और वहाँ से लाला लाजपत राय की लाठी लग लग के उनकी देहांत हो गया था। तो उसके बाद गाइस उन लोगों ने बदला लिए थे उसका, उस जिसने ऑर्डर दिया था ना गाइस मारने का, उसकी उन लोगों ने हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। और गाइस उसके बाद उन्होंने एक असेंबली में जाके बॉम्ब भी फोड़े थे, और ये बॉम्ब ये चेतावनी थी गाइस, क्योंकि भैरव को सुनाना ज़रूरी था और अंग्रेज़ को भगाना भी ज़रूरी था। तो गाइस उन लोग इसके लिए ऐसा किए थे गाइस। और एक और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उनके साथ बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया था। और अभी गाइस मैं आपको ये बताने नहीं आया, अभी मैं आपको पूरा फैमिली के बारे में बताता हूँ उनके, और उनके उनके साथ और कौन कौन लोग थे उनके बारे में बताऊंगा आपको अभी। तो चलते गाइस, और सबसे पहले तो मैं आपको और गाइस उन्होंने लाहौर से फिर जब उन्होंने साइमन कमीशन से उसने मार दिए थे उसको, जो था अंग्रेज जेलर था, तो उसको मार दिए थे। तो उसके भागने के लिए लोगों ने अपना पूरा रूप बदल दिए थे, उनके साथ राजगुरु नौकर बन गए थे, और वो अंग्रेज़ के सूट में गए थे और बच गए थे कलकत्ता जाके। और उन्होंने कलकत्ता जाके बॉम्ब की तैयारी करी थी, और उसके बाद ऐसा हुआ था। तो अभी मैं आपको उनके सिस्टर का नाम बता देता हूँ। तो उनकी सिस्टर का नाम था बीबी प्रकाश कौर, बीबी अमर कौर और बीबी शकुंतला, जिनकी फ़ोटो नहीं है, बाकी दोनों की फ़ोटो है थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद गए वो जो असेंबली थी, द सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली, उन चुपचाप जाके वहाँ बैठ गए थे। बटुकेश्वर दत्त ने उनका मतलब साथ भी दिया था थोड़ा सा। और गाइज़ ये उन लोग सब लोग थे जो उन्होंने हंगर स्ट्राइक किए थे उनके साथ। और ही गाइज़ ये जतिन दास, जिन्होंने मतलब इतना हंगर स्ट्राइक कर लिए थे, इनको पानी चाहिए था और उनको अंग्रेज़ लोग ने पानी के बजाय दूध दे दिए थे, और उसके वजह से इनका देहांत हो गया था गाइज़। और ये राजगुरु थे जो भगत सिंह के साथ शहीद हुए थे, और ये वो भी सुखदेव थप्पर थे जिन्होंने वो भी भगत सिंह के साथ शहीद हुए थे, और उनकी माँ विद्यावती, उनकी माँ गाइज ये है, और उनके डैड सरदार किशन सिंह, और उनके भाइयों का नाम कुलतार सिंह, रणबीर सिंह, जगत सिंह, कुलबीर सिंह, राजेंद्र सिंह। तो गाइज ये थे, अभी मैं आपको बताता हूँ उनके दोस्तों के नाम। तो ये थे भगत सिंह, शिवराम, हरी, राजगुरु, सुखदेव थप्पर, बटुकेश्वर दत्त, जतिंद्र दास, फिर किशारी लाल, जयदेव कपूर, अजय कुमार, मिस्टर सनियाल अक्वेत, और विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल और प्रेम दत्ता, शिव वर्मा, कावल नाथ तिवारी, गया प्रसाद और महावीर सिंह का ये थे। उन्होंने उसका साथ दिया था मतलब भूख हड़ताल पे, तो ये भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करके थे। और ये शिव वर्मा, और इनकी दो फोटो मैंने ले लिया हूँ। तो अभी ये थे गाइस सचिंद्रनाथ सन्याल, जिनका नाम मैंने आपको शायद गलत ले लिया था, अभी मैंने कुछ और ही बोल दिया था, मिस्टर सन्याल करके बोल दिया था, तो उनका नाम ये था फुल। इन्होंने भी उनका साथ दिए थे, और ये भी थे वो 1994 को इनका भी देहांत हो गया था, अमित शाह नाम था इनका, और इनका नाम था किशोरी लाल, ये भी उनका साथ दिए थे। तो गाइज चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी है। और गाइज भगत सिंह ने एक और एक शब्द बोले थे कि अंग्रेज़ लोग को कोर्ट में, कि तुमको जब बोलने भी नहीं, तुम्हारे दादा परदादा को बोलने भी नहीं आता, तभी भी हमारा देश का बच्चा रामायण और महाभारत पढ़ता था। तो चलो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, देखने के लिए शुक्रिया।